चैप्टर नंबर 1 के स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि नेम सेवरल रेपिटेटिव फिनोमेना अकरिंग इन नेचर विच कुड सर्व एज अ रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। टाइम स्टैंडर्ड क्या होता है? सबसे पहले स्टैंडर्ड वो चीज़ होती है जिसे हम चीज़ों को कंपेयर करके मेजर करते हैं। जैसे मीटर रॉड एक स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ है, और आपकी जो घड़ी है वो आपका स्टैंडर्ड ऑफ टाइम है। आप उसे क्या देखते हैं? टाइम देखते हैं। तो नेचर में ऐसे कौन से अवामिल हैं, कौन से प्रोसेस हैं जिनको आप एक टाइम स्टैंडर्ड बना सकते हैं? तो पहली बात, किसी भी चीज़ को टाइम स्टैंडर्ड बनाना है तो याद रखें उसका रिपीट होना बहुत ज़रूरी है। आपका जो घड़ी है, क्लॉक है, जो भी डिजिटल या एनालॉग क्लॉक है, वो 12 से दोबारा रिपीट होके कहाँ तक आता है? 12 तक। फिर वही रेपिटेशन परफॉर्म करता है। तो नेचर में कोई भी अमल जो अपने आप को मुसलसल रिपीट कर रहा है, इट कुड सर्व एज अ टाइम स्टैंडर्ड। अब जरा मिसालों पे आ जाए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही हैं? सूरज का तलू और गरूब होना रोज रिपीट होता है। कोई दरख्त लगा हुआ है किसी मैदान में तो उसका साया एक खास हद तक बढ़ता है और फिर कम होना शुरू हो जाता है। प्लैनेट्स की रेवोल्यूशन, चांद के जो फेजेस हैं वो भी टाइम स्टैंडर्ड्स के तौर पे। ह्यूमन बॉडी में जो पल्स रेट है ये भी रिपीटेड मोशन है, इसे भी आप टाइम स्टैंडर्ड का काम ले सकते हैं। आपने न्यूक्लियर फिजिक्स में हाफ लाइफ का टॉपिक पढ़ा हुआ। कोई भी सिंपल एक सिंगल एलिमेंट है तो उसकी हाफ लाइफ एक कॉन्स्टेंट नंबर होती, वो हाफ लाइफ टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर काम आ सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सी मिसालें लिखी हुई हैं। रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन है, रोटेशन ऑफ मून है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स इन द लैटिस। हियर यू कैन सी अ लैटिस कोई भी एक सॉलिड मटेरियल वो जिन एटम से मिलकर बना हुआ, तो एटम्स की जो वाइब्रेशन होती है ये भी रिपीटेड वाइब्रेशन होती हैं। जस्ट लाइक अ मास स्प्रिंग सिस्टम भी अपने मोशन को रिपीट करता है, सिंपल पेंडुलम भी अपने मोशन को रिपीट करता है। तो यहाँ पर खैर बहुत सारी एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, लेकिन आप इनमें से मैक्सिमम 4 ऑप्शंस हैं जिनको आप अपनी शॉर्ट आंसर में लिख सकते हैं। तो रोटेशन ऑफ अर्थ, मून, सेटिंग एंड राइजिंग ऑफ द सन है, सेटिंग एंड राइजिंग ऑफ द मून है, फिर यहाँ पे शेडोज के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में आपको इन जनरल ये एक्सप्रेस करना है कि वो तमाम अवामिल जो अपने आप को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, देन दैट कैन बी सर्व्ड एज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। ये हो जाएगा जी आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन। सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन, गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज द पीरियड ऑफ पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड। फर्ज करें आप बहुत कदीम जमाने में रहते हैं, ठीक है, किसी बड़े खूबसूरत स्विट्जरलैंड के गांव में आपकी झोंपड़ी है और आपको एक टाइम स्टैंडर्ड बनाना है, तो आपके पास एक पत्थर मिलता है आपको, आप अपने खेमे में से एक धागा निकालते हैं, उस धागे के साथ पत्थर बांधते हैं और उसको कहीं पर हैंग कर देते हैं। अब आप उस सिंपल पेंडुलम को खींच के छोड़ देते हैं तो इट इज गोइंग टू रिपीट इट्स मोशन, और मोशन रेपिटेशन है तो यू कैन क्रिएट इट एज अ टाइम स्टैंडर्ड। लेकिन अब उसको टाइम स्टैंडर्ड बनाने में मसले मसाइल क्या हैं? पहली बात, हवा चलेगी तो उसका टाइम पीरियड जो है वो मुतासिर होगा, हवा नहीं भी चलेगी तो उसकी मूवमेंट से रेजिस्टेंस क्रिएट होगी, फिर सर्दी और गर्मी से जो धागे की लंबाई है वो भी कम और ज़्यादा हो सकती है। तो ये चंद चीज़ें हैं। फिर उसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स हैं ये भी टाइम पीरियड को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड की इक्वेशन क्या है, टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट एल ओवर जी। ग्रेविटी में वेरिएशन कम या ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड भी कम या। अब यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है आप सब लोगों से कि ज़मीन जो एक स्फेरिकल शेप रखती है, ये ज़मीन का सेंटर है, ये ज़मीन का सरफेस है, राइट एट द सेंटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी? 9 point। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ और आप जवाब सिलेक्ट कर लें 9.8, तो आपका जवाब बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 0। अब ये 0 क्यों है ये बाद में, अभी बाद में क्लियर करता हूँ। ग्रेविटी एट द सरफेस अगर पूछा जाए तो फिर आप कहेंगे 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन कूलम जो आप न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ पढ़ते हैं उसमें तो आप ये पढ़ते हैं ना कि यूनिवर्स का हर मास दूसरे मास को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, किसकी तरफ? Then y g at the center is 0. तो न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ है क्या? F is equal to g, greater mass, smaller mass divided by r square. हम इस F को mg लिख सकते हैं। F is equal to ma भी होता और mg भी, m से m
तो ग्रेविटी की वैल्यू हो गई जी एम ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे आर रेडियस ऑफ द प्लैनेट है। देखिए यहाँ पर जो एम आ रहा है ये मास ऑफ द प्लैनेट है एंड टोटल मास ऑफ द प्लैनेट है। अब सेंटर पे जाके ग्रेविटी जीरो क्यों होगी? तो रिमेंबर वन थिंग, इफ यू आर अ पर्सन एंड यू आर स्टैंडिंग हेयर, तो आपको ये पूरा मास ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है जिसकी वैल्यू क्या है, एम। बट इफ यू आर नॉट एट द सर्फेस, यू आर समवेयर स्टैंडिंग ऑन दैट पॉइंट, तो फिर आपको इतनी सी जमीन अट्रैक्ट कर रही है, जो आउटर पोर्शन है वो आपको अट्रैक्ट नहीं कर रहा। तो वो जो पहले m था वो अब क्या हो गया, कम m हो गया, क्योंकि अब पूरी जमीन तो आपको अट्रैक्ट नहीं कर रही। आप और ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो और छोटा हिस्सा जमीन का आपको अट्रैक्ट करेगा, ग्रेविटी और कम होती चली जाएगी। एंड इफ यू आर राइट इन द मिडल ऑफ द अर्थ, तो देर इज नो मास एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, देर इज नो मास एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, लिहाजा ग्रेविटी की वैल्यू सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एक तो ये है आप समझ लें कि जमीन की गहराई और सरफेस के मुताबिक ग्रेविटी। अब इसके बाद एक और चीज देखते हैं, ये हमारी कंट्री है, लेट से पाकिस्तान, ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, यहाँ कराची है, यहाँ गिलगित बल्तिस्तान है। अब आप पाक स्टडीज में पढ़ते हैं, हमारे मशरिक में भारत, मगरिब में अफगानिस्तान और ईरान, शुमाल में चीन और जनूब में बहिरा अरब। तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब एक सिंपल पेंडुलम अगर कराची में यूटिलाइज होगा, यूज होगा, तो कराची चूंकि जमीन के सरफेस के करीब है, यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा होगी, टाइम पीरियड कम होगा। और आप अगर सफर करके जिंदगी के सुहाने सफर पे निकल जाते हैं और चले जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान, वो पुराने जमाने में, अभी आप नए जमाने में तो खैर आप स्टॉप वॉच भी यूज कर सकते हैं, डिजिटल वॉचेस, तो गिलगित बल्तिस्तान सतह समंदर से बहुत बुलंदी पर है, वहां पर जी की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, कम, और टाइम पीरियड ज्यादा हो चुका होगा। तो ये कुछ ग्रेविटी के मुतालिक फैक्ट्स क्लियर करना मकसद था। बाकी यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस हैं, आंसर्स हैं, वो रिटर्न मिल जाएंगे कि लेंथ जो है वो टेम्परेचर से वेरी कर सकती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो जियोग्राफिकली चेंज हो सकती है, और फ्रिक्शनल इफेक्ट्स ऑफ द एयर जो है वो सिंपल पेंडुलम को मुतासर कर सकते हैं। समझ आ गया अच्छे से? तो शॉर्ट क्वेश्चन में ये बस छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर करना जो है वो जरूरी होता है। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, बेस क्वांटिटीज कितनी है? सेवन बेस क्वांटिटीज में ना दो क्वांटिटीज सिर्फ अमाउंट ऑफ मैटर के लिए हैं। एक अमाउंट ऑफ मैटर के लिए क्वांटिटी है किलोग्राम और एक मोल है। अब दो क्वांटिटीज मैटर के लिए क्यों है, यहां पर दो यूनिट्स क्यों यूज हो रहे हैं? क्वेश्चन है व्हाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव टू यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस That one is kilogram and the other is mole. तो आपने सबसे पहले इस शॉर्ट क्वेश्चन में दो बड़े पॉइंट्स, दो बड़े हिंट्स याद रखने। एक आपने वर्ड याद रखना है मैक्रो लेवल और एक आपने वर्ड याद रखना है माइक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रो लेवल यानी मिसाल के तौर पे एक सिंपल ह्यूमन बीइंग है, उसका अगर हमें वेट करना है तो हम किस यूनिट में करेंगे, किलोग्राम्स में, मैक्रोस्को स्केल लेवल में। कहिए बंदा 50 किलो का है, 60 किलो का है, 70 किलो का है, लेकिन अगर कोई ये पूछ ले कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट देयर इन द ह्यूमन बॉडी, तो फिर किलोग्राम्स की बजाय हम जब नंबर ऑफ एटम्स की बात करते हैं तो फिर वहां पे आपने एक डिजिट भी सुना होगा, एवोगैड्रो नंबर। तो जहां पर नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स की बात हो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, मोल। और जहां पर एज अ होल पूरा स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मेजर किया जाए वहां पे क्या यूज होता है, किलोग्राम। तो आपने इसी तरह आंसर देना है कि मैक्रो लेवल पे यूजफुल किलोग्राम है और माइक्रो लेवल पे यूजफुल मोल का यूनिट है। अनदर एग्जांपल, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हो तो ये उसका एक मोल बनता है, और 44 केजी कार्बन डाइऑक्साइड हो तो ये आटे की दो बोरियों के बराबर होता है। 44 केजी ऐसी होता ना, आटे की एक बोरी 20 किलो की होती, ठीक है, एक पूरी खातून 40 किलो की हो जाती, दो आटे की बोरियां खातून के बराबर होती, ठीक है। तो जब आपने दो आटे की बोरियों को डिस्कस करना है तो आपने कौन सा यूनिट यूज करना है, किलोग्राम, और जब आपने सिंपल मोल्स की या नंबर ऑफ एटम्स की बात करनी है तो कौन सा यूनिट यूज होगा, मोल। अच्छा जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट और टेक्निकल क्वेश्चन है और इसका आंसर भी आपको इजीली आ जाएगा। तीन स्टूडेंट्स हैं जो मेजर करते हैं लेंथ ऑफ अ नीडल विद अ स्केल ऑन विच मिनिमम डिवीजन इज 1 मिलीमीटर।
एंड रिकॉर्डेड एज, अब उसने यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए, रिकॉर्डेड एज 0.2145, रिकॉर्डेड एज 0.21 मीटर एंड 214 मीटर, विच रिकॉर्ड इज करेक्ट एंड वाई। अब हमें उसने जिस स्केल का जिक्र किया है वो मीटर रॉड है, जिसका लीस्ट काउंट कितना होता है 1 मिलीमीटर। यहाँ पर उसने एक वैल्यू दिया कि 1 मिलीमीटर बराबर किसके होता है 0.00, तो हमारे लिए करेक्ट रीडिंग वो होगी जिसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आए, 3 डिजिट्स। तो हमारी पहली रीडिंग भी एलिमिनेट हो जाएगी क्योंकि इसमें 4 है, लास्ट सेकेंड रीडिंग भी एलिमिनेट हो जाएगी क्योंकि इसमें 2 डिजिट्स हैं। तो हमारी बेस्ट एक्यूरेट रीडिंग क्या होगी, 0.214 मीटर्स, क्योंकि हम जो स्केल यूज कर रहे हैं वो हमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स दे सकता है, 3 डिजिट्स दे सकता है। क्लियर हो गया? तो बस इतना सा एक्सप्लेन कर देना इसको आपने। नाउ द क्वेश्चन इज, एन ओल्ड सेइंग, एक पुरानी कहावत है, अ चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। इस कहावत को समझने के लिए इस इमेज पे आपने ज्यादा गौर करना कि इस चेन की मजबूती का सबसे ज्यादा इन्हसार उस जगह पर है जहां से ये सबसे ज्यादा कमजोर होगी या वीकेस्ट होगी। अब जैसे आप इस लिंक को देख रहे हैं, इसके सबसे ज्यादा टूटने का खतरा यही से है जहां से ये रेड जो है वो क्लिप लगा हुआ। तो अ चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, वो कहता है इस स्टेटमेंट को कंपेयर करें आप अपने एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ, मतलब आप इस स्टेटमेंट को एक्सपेरिमेंट्स में कैसे यूज कर सकते हैं। तो आपने पहला हिंट याद रखना है, आपने सिंपली अपनी प्रिसीजन और एक्यूरेसी की डेफिनेशन लिख देनी, और यहां पर दोनों स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। अ रीडिंग विल बी मोर प्रीसाइज इफ इट हैज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर भी कह सकते हैं, एंड अ रीडिंग विल बी मोर एक्यूरेट इफ इट हैज लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी, या फिर उसको परसेंटेज एरर भी कह सकते हैं। तो उस कहावत को हमने अपने एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ कंपेयर करना है। तो आपने सिंपली याद रखना है कि इस क्वेश्चन में आपने एक डेफिनेशन लिख देनी है प्रिसीजन की और एक लिख देनी है एक्यूरेसी की। अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज द वन एंड एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज द वन। तो ये पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। सिक्स्थ शॉर्ट क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच, व्हाट टाइप ऑफ एरर्स आर पॉसिबल। तो स्टॉप वॉच यूज कर रहे हैं जी, तो जीरो एरर हो सकता है। पैरेलेक्स एरर क्या होता है, मिसाल के तौर पे आप एक बीकर में या फनल में पानी की मिकदार नोट करते हैं, तो उस बीकर में जो पानी मौजूद है आप उसको किस जगह से देख रहे हैं, दिस पॉइंट और दिस पॉइंट। तो आपने जो भी मेजरमेंट करनी होती है उसका बेस्ट मेथड क्या, आप उसको बिल्कुल अपनी आईज के पैरेलल ला के मेजर करें, क्योंकि अप और डाउन मेजरमेंट से लेवल्स जो है वो चेंज हो सकते हैं। तो इसको पैरेलेक्स एरर कहते हैं, जिसमें आप अपनी आंखों को पैरेलल टू द रीडिंग रखेंगे और इसके अलावा कहीं भी प्लेस नहीं करेंगे। फिर एयर रेजिस्टेंस उसको डैमेज कर सकती है, वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम, जब भी एक्सपेरिमेंट हो सिंपल पेंडुलम का एम्पलीट्यूड हमेशा माइनर सा छोटा सा, मैक्सिमम 10 to 15 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं रखना। ये ना हो कि आप जिस तरह किसी को झूले देते हैं, ले के पीछे चले गए, जोर से धक्का दे दिया, तो सिंपल पेंडुलम के साथ ऐसे नहीं करना। फिर आगे दो एरर्स मेंशन कर दें, एक रैंडम और एक सिस्टमैटिक। तो कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन ऐड कर दें एंड पे, वही जो आपने बुक में पढ़े हुए हैं कि वन इज रैंडम एरर एंड वन इज द सिस्टमैटिक एरर। ये हो गया छठा शॉर्ट क्वेश्चन। सातवा शॉर्ट क्वेश्चन, ये पहले भी हमने क्लास में की तो वह डिस्कस किया और इसको हम एक सिंगल फेज पे देखेंगे कि डज अ डायमेंशनल एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी That may appear in the algebraic expression. So हमने derive किया था formula t is equal to constant under root l over g. ये formula हमने derive किया था using dimensional analysis. पूरे dimensional analysis में हमें कहीं पता नहीं चला कि c की value क्या है। हमारे लिए जब तक ये measure नहीं हो जाएगा इसकी value 1 ही रहेगी। ठीक है, जब ये measure हो जाएगा तो फिर देखेंगे इसमें क्या आता है। तो डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से यहाँ पर स्टेटमेंट यूँ लिखी है कि इफ एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, रिलेशन और इक्वेशन और फिजिकल क्वांटिटी इज डिराइव्ड बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, नो इंफॉर्मेशन ऑन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस एनालिसिस।
ये एनालिसिस सिर्फ आपको फिजिकल क्वांटिटीज की इंफॉर्मेशन तो दे सकता है, लेकिन वहां पर ढके छुपे हुए जो फिजिकल कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन हासिल नहीं हो सकती। हाँ, इस इंफॉर्मेशन को हासिल करना है तो हमें मैकेनिकली करना पड़ेगा, यानी हो सकता है हमें रियल में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़े, या फिर हमें डायमेंशनल एनालिसिस के साथ साथ थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री या मैथमेटिक्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो अकेला डायमेंशनल एनालिसिस ये पॉइंट नहीं दे सकता। फिर आगे कहता है, हाउएवर कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अपीयरिंग इन सच रिलेशन इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। जो ये कॉन्स्टेंट आता है यहाँ पर, जब हम मैकेनिकली ड्राइव कर लेते हैं 2π, तो 2π की कोई डायमेंशन होती? ये तो नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो डायमेंशनल एनालिसिस में जब हम डिराइव करते हैं कोई भी एक्सप्रेशन, उसमें जो भी कॉन्स्टेंट आएगा बच्चों, उसकी कोई डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। और उसको फाइंड करना है तो डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड नहीं हो सकता, होगा तो एक्सपेरिमेंटली या फिर मैकेनिकली। क्लियर हो गया? 8 शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी? प्रेशर पी, फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया। डायमेंशनल एनालिसिस, फोर्स की डायमेंशन, शाबाश, और एरिया की डायमेंशन। अब एक लेंथ से एक लेंथ कैंसिल, तो प्रेशर की जो डायमेंशन हो जाएंगी वो एम एल माइनस वन टी माइनस टू। सिमिलरली डेंसिटी, मास ओवर, तो डेंसिटी की डायमेंशन, मास की डायमेंशन क्या होती? वॉल्यूम। तो सिंपली डेंसिटी की डायमेंशन एम एल माइनस थ्री, यह आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बस दो सिंपल डायमेंशन है, दोनों बड़ा इजी सा शॉर्ट क्वेश्चन है। और लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका कि यू आर गिवन टू इक्वेशंस, वन एफ इज इक्वल टू वी लैम्डा एंड द अदर एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। बताना यह है कि दोनों में से डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन कौन सी है। तो हम एक साइड पे लिख लेते हैं जी एफ इज इक्वल टू वी लैम्डा, एक पे लिख लेते हैं एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। अब फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती? टी माइनस वन। वेलोसिटी क्या होती? वेवलेंथ, लेंथ होती है, वेवलेंथ लेंथ होती है, तो डायमेंशन एल। अब राइट साइड पे क्या बन रहा है? एल स्क्वायर, पीछे क्या आ रहा है? तो ये दोनों तो आपस में इक्वल, इसका मतलब है ये इक्वेशन भी ठीक इक्वेशन। सेकंड को ट्राई करते हैं, टी माइनस वन, वेलोसिटी की डायमेंशन लेंथ एल, कैंसिल, तो टी माइनस वन इज इक्वल टू, तो दिस इक्वेशन इज द करेक्ट इक्वेशन। यही वो इक्वेशन है जिसको आप पढ़ते हैं, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ऑल क्लियर?